सोशल मीडिया के ऊपर सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को लेकर विरोध चल रहा है। तब से जब से ये अनाउंस हुआ था, ये प्रोजेक्ट जब से अनाउंस हुआ था तब से इसका विरोध जारी और अभी भी इसका चल रहा है। तो विरोध करने वाले अक्सर कह रहे हैं कि इसकी जगह हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते थे, क्या ये अभी चीज जरूरी है, इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बाद में पहले आप लोगों को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ और उसके लिए आप लोगों को हिस्ट्री जाननी जरूरी है, क्योंकि इससे आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, जान पाएंगे इसकी अहमियत को। 1911 में दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचांग यानी जॉर्ज फाइव भारत आए थे, ब्रिटिश के राजा, तो भारत के भी राजा थे जब देश गुलाम हुआ करता था तब, तो भारत आए थे जो, तो वहां पर दिल्ली से राजधानी जो है वो दिल्ली लाई गई थी, कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। उसके पीछे रीजन था क्योंकि कलकत्ता के अंदर कलकत्ता विभाजन को लेकर वहां पर दंगे चल रहे थे, वहां पर बहुत दंगे, तो क्या कह रहा हूँ यार, दंगे कहना गलत है, वहां पर बहुत बड़े एक 1857 के बाद बहुत क्रांति चल रही थी। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वहां पर ये राजा जी जाएं और राजा जी जाएं तो उनको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिले, तो इसलिए कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई। पर एक उस वक्त एक कल्चर चला करता था और शायद वो कल्चर आज की डेट में भी चलता है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति जाता था कहीं पर भी तो उसकी याद में कुछ ना कुछ बना दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कि उस टाइम के जो वॉइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो उनकी बेटी जो थी होप्स, जिसका नाम होप था, वो अलवर गई थी। अलवर जाने के बाद वहां पर उनकी याद में एक होप सर्कल बनाया गया था जो आज की डेट में भी राजस्थान में अभी मौजूद है। जब एक वॉइसरॉय की बेटी को इतनी अहमियत दी जा रही थी तो एक राजा आ रहे तो राजा के लिए तो भाई साहब अहमियत क्यों ना दी जाए। तो वहां पर जब राजा दिल्ली आए थे तो इनकी याद के लिए, इनको याद करने के लिए एक बड़ी सी इमारत बनाने का फैसला किया गया, यानी पार्लियामेंट बनाने का फैसला किया गया। तो यहाँ पर पार्लियामेंट बनाने के लिए दो लोगों को चुना गया, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बैकर्स को। हर्बर्ट बैकर्स जो थे वो साउथ अफ्रीका से थे, तो इन दोनों ने मिलकर पार्लियामेंट का डिजाइन तैयार किया, दोनों ने पार्लियामेंट का किया और अलग अलग भी काम किया। एडवर्ड लुटियंस ने जो है वो राष्ट्रपति भवन का और हर्बर्ट बैकर ने सेक्रेटेरिएट का जो भवन का निर्माण किया था। और अगर आप आज देखो तो इन बिल्डिंग्स को 100 साल से भी ज्यादा हो गया, और सबसे कोई बिल्डिंग 100 साल से भी ज्यादा या फिर 100 साल की एज पा लेती है तो उसको रिटायर्ड घोषित कर दिया जाता है। अब सोचो यार, जब वहां पर मंत्री बैठे हो, वहां पर संसद चल रही हो, तो एकदम से कोई पत्थर आगे गिर जाए तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। तो एक बड़े सबसे बड़ा रीजन, दो प्रमुख रीजन में से तो मुझे एक बड़ा रीजन यही लगा कि भाई बिल्डिंग को बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 100 साल से भी ज्यादा हो गया, तो इसको रिटायर होना जरूर था। दूसरी जो इसका प्रमुख रीजन गवर्नमेंट ने खुद दिया कि इसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम है, आने वाले टाइम में एमपी की संख्या बढ़ेगी तो वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। अभी फिलहाल अगर आप देखो तो कोरोना टाइम में जब बैठक हुई थी संसद के अंदर, अगर वहां पर भी ऑडियंस में, जहां पर ऑडियंस बैठती है वहां पर भी लोग, मतलब सांसद को खड़ा किया गया था, खड़े मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पर बिठाया गया था, तब भी वहां जगह कम पड़ गई थी। तो इस चलते यहां पर एक नई पार्लियामेंट बनाने का सुझाव गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिया है। तो ये तो हुई हिस्ट्री की बात। अब बात कर लेते हैं जो नया जो प्रोजेक्ट आया है सेंट्रल विस्टा। अगर आप देखो तो ये बीचों बीच में, दिल्ली के बीचों बीच में बना हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर इस पथ को रीडेवलप किया जाएगा। इसके अंदर न्यू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस और प्राइम मिनिस्टर का भी रेजिडेंस होने वाला है, सेक्रेटरीट की बिल्डिंग इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ म्यूजियम्स भी इसमें बनाए जाएंगे, ओल्ड पार्लियामेंट को म्यूजियम में बदला जाएगा। जो न्यू पार्लियामेंट है उसकी कॉस्ट 971 करोड़ रुपए है और ये प्रोजेक्ट जो है वो टाटा ग्रुप को दिया गया और टाटा ग्रुप की जो देश में जो एक छवि है वो एक देशभक्त है, क्योंकि अगर आप इनको देखें तो इन्होंने 2020 के अंदर जो लॉकडाउन लगा था तो गवर्नमेंट के हेल्प के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए दिए थे और अभी भी 2021 के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बहुत ज्यादा धनराशि दी है। सरकार का एक तर्क ये भी है कि इस पार्लियामेंट को लेकर कि भी जब यहां पर जो अधिकारियों की जो कमी होती है तो यहां पर बैठाने की कमी होती है, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो जितना भी इलाका है यहां पर आसपास जो है वो गवर्नमेंट जो किराए पे जमीन लेती है, किराए पे घर लेती है। अब किराए पे घर लेना वहां पर या फिर किराए पे कोई बिल्डिंग लेना वो इतना पॉश इलाका है कि उनको हर साल 1000 करोड़ रुपए किराए पे देना पड़ता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार दूर दूर क्यों नहीं ले लेते, इतनी पॉश इलाके में लेना जरूरी है, तो उनको बता दूं भाई साहब की गवर्नमेंट जो होती है एक मशीनरी होती है, जितने नजदीक पुर्जे रहेंगे उतना इफेक्टिवली वो काम कर पाएगी। अब सोचो एक आपने बीचों बीच में बिठा रखा, एक आपने कहीं दूर बिठा दिया कम से कम 20 किलोमीटर दूर, तो इस चीज में जो आने जाने में टाइम खत्म होगा, कितना ट्रैफिक है, कितना उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो यार ऐसे काम नहीं हो सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अभी क्या जरूरत थी कंस्ट्रक्शन की, अब जबकि कोविड का इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है तो यहां पर खतरा बढ़ जाता है। तो मैं बता दूं कि कंस्ट्रक्शन से कोविड नहीं फैलता है। राज्य सरकारों ने जितने भी लॉकडाउन लगाए उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन वर्क वो चालू रहेगा क्योंकि इससे रोजगार मिलता है। शायद आप लोगों के आपके घर पे आपके मां बाप ने आपके लिए पैसे कमा के रख रखे हैं ताकि आप आराम से बैठ के पढ़ सकें या कुछ खाना खा सकें, लेकिन इन लोगों को कमाते हैं तभी जाकर इनको पैसा मिलता है, इनके पास और कोई संसाधन नहीं है। लास्ट टाइम में भी जब 2020
2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा था, हाईवे का जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था, जिसमें 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जाएगा, वहां पर भी वो काम रोका नहीं गया था, तब भी वो काम चल रहा था। लेकिन ये बात हाईलाइट नहीं हुई क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, सेंट्रल विस्टा के ऊपर आसानी से क्रिटिसिज्म हो सकता है, तो इसको बड़े जोरों शोरों से इसका विरोध किया जा रहा है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि यार इसकी जगह तो नए हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, नए बेड लगाए जा सकते, नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा सकते थे, भाई सब किए जा सकते थे। लेकिन इन लोगों का अगर ये भी बता दो कि इसरो जो आने वाले टाइम में कोई ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसकी कीमत तकरीबन 9000 करोड़ रुपए, तो ये वही लोग परचून की दुकान पर खड़े होकर या परमाटी की दुकान पर खड़े होकर यही बात करेंगे कि यार ये चीज क्या जरूरत थी, इतने पैसे तो हम कहीं और लगा देते। तो इनको नहीं पता कि जहां पर एक तलवार काम कर सकती वहां पर सुई काम नहीं कर सकती, और जहां सुई काम कर सकती वहां पर एक तलवार काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों को अलग अलग तरीके से नहीं माप सकते। इसलिए अगर एक नई पार्लियामेंट की जरूरत है तो उसकी जगह नई पार्लियामेंट बनेगी, हॉस्पिटल नहीं बन सकते क्योंकि पार्लियामेंट की पूर्ति हॉस्पिटल नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल भी बनने चाहिए लेकिन सारी चीजें एकदम से नहीं हो जाती। आप 2020 में जब आपने कोविड का संकट देखा था तो सबके सब लोगों में जैसे हड़कंप मची थी, मास्क के जैसे ऊपर लोग कालाबाजारी करने लगे थे, लेकिन विद इन वन मंथ के अंदर सबके चेहरे के ऊपर मास्क थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, सैनिटाइजर उनके हाथ में था, और ये जो चीज है वो एकदम से आई चीज है। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि कोरोना वायरस ने एक साल पहले दस्तक दी थी कि भैया मैं आ रहा हूं, आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो। और हमारा देश ऐसे पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं था, इवन कोई भी देश इतने भयानक पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं होता, उसको नहीं पता कि इतनी बड़ी आपदा आ रही हो तो उसको कैसे संभाला जाए। और जितनी भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, विद इन वन मंथ के अंदर जैसे प्लांट लग रही है, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। इसलिए हर चीज का आंख बंद करके विरोध करना जरूरी नहीं होता। जब भी आप यूएसए के पेंटागन या फिर व्हाइट हाउस को देखते हो तो कहते नहीं यार कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, हमारे देश में ऐसी कब बिल्डिंग होगी, तब उन बिल्डिंग पर बनने के लिए पैसा लगा था। और जब वही चीज हमारे देश में पैसा लगकर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म होए जा रहे हैं, किसी चीज को सकारात्मक वे से देखने की कोशिश किया करो। और ओल्ड पार्लियामेंट को तोड़ा नहीं जा रहा, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है जिससे रिवेन्यू जनरेट होगी। अब आप लोग ताजमहल को देख लो, कितनी ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करके देता है, और उस वक्त जब ये बनाया गया था कितनी आर्थिक मंदी रही थी, उसने कितना ज्यादा टैक्स लगा दिया था। तो चीजों को देखने का एक पॉजिटिव वे लेके आओ, मतलब सकारात्मक वे से उस चीज को देखो। हर चीज हर टाइम सरकार की बुराई करना कि सरकार ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, खुद पर कोई चीज आने नहीं देगा, कोई भी इंसान यहां पर नया अब उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जनता अपने ऊपर कभी भी अब जिम्मेदारी नहीं लेगी कि मैंने ये सही किया या मैंने ये चीज गलत की, वो अपने आप को हमेशा साइड में रखेगी और कटघरे में खड़े कर देगी सरकार को कि भैया हाँ सरकार ही सब कुछ कर रही है, गलत कर रही है। तो हर वक्त सरकार को क्रिटिसिज्म करना सही नहीं होता, और क्रिटिसिज्म करना भी है तो पॉजिटिव वे में क्रिटिसिज्म किया करो। फॉर एग्जाम्पल कि आप चुनाव को ले लो, रैलियों को ले लो, मैच हुए उनको ले लो, तो ये जो चीज क्रिटिसिज्म में आती है। लेकिन ये नहीं कि जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसी चीज को लेकर आ जाओ भैया हाँ ये चीज करनी जरूरी है। तो देखो जहां पर ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं जिनका कोई भी ताल्लुक नहीं होता, इसकी जगह 40 हॉस्पिटल बन सकते, तो भाई साहब वो हॉस्पिटल बनेंगे लेकिन पढ़ लिख लिया करो, हॉस्पिटल में बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। केवल बिल्डिंग बना देने से वहां पर इलाज नहीं हो जाएंगे, वहां पर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है वहां पर। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।